इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव पुणे। संपर्क सूत्र 8799-28255, 888-88-32198, 9989-394510। सुंदर और सुखी बनाने के लिए हम अपने विवेक ज्ञान के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार हमेशा कुछ ना कुछ पुरुषार्थ अवश्य करते हैं। हम अपने प्रेजेंट से फ्यूचर को कुछ बेटर देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है आने वाला मेरा भविष्य वर्तमान की उन कमियों से ऊपर उठा रहा है। जो हमें मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, निश्चित रूप से हम उससे पूर्ण सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तभी तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा कुछ ना कुछ अलग लिए हुए होती हैं। वो एक्सपेक्टेशन हर फील्ड में होती हैं, वे अपेक्षाएँ हर क्षेत्र में व्यक्ति करता है। दुख से ऊपर उठ कर के सुख को पाने की अपेक्षा आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को कुछ अलग ही बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने सपनों के अनुसार ढालना चाहते हैं। जो जो आपको अभी वर्तमान में मिला है, उस ओर जब आप झांक करके देखते हैं, कुछ ऐसा अवश्य है जो खटकता है और खटकना भी चाहिए, अदरवाइज हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। यदि हम अपने वर्तमान से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो नियम से भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊंचा नहीं उठ पाएंगे। और जो व्यक्ति ऊपर उठना बंद कर देता है, यह नियम है कि वो नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, हमेशा चेंजेस होते ही रहते हैं, स्टैग्नेंट कुछ भी नहीं होता है, ना ही हमारी लाइफ स्टैग्नेंट होती है, ना ही हमारे विचार, ना ही हमारी सिचुएशन, ना ही हमारी कंडीशन, वो हमेशा बदलते ही रहती है। अब वो परिवर्तन दो दिशाओं में होता है, या तो ऊपर की ओर होगा अथवा नीचे की ओर होगा। और जब ऊपर की ओर नहीं होता है तो नीचे की ओर आना स्वाभाविक ही है। इसलिए कहा जाता है जो बढ़ना बंद कर देता है वो घटना शुरू हो जाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन एज इट इज़ ऐसा ही चल रहा है, हम कुछ खो नहीं रहे हैं और कुछ हमें ज़्यादा मिल भी नहीं रहा। लेकिन जब हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम कुछ खो नहीं रहे हैं, तब भी हम खोते ही हैं, है ना? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मनी लास्ट ईयर जितनी थी आज भी उतनी ही रहेगी तो अपनी वैल्यू को खो देती है। आइडल बड़ी रहेगी तो डेफिनेटली इसमें डिप्रिसिएशन होता ही है, आपकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी उतनी ही मनी से अवश्य घटती ही है। जितना इन्वेस्टमेंट आप लास्ट ईयर कर रहे थे, उतना ही इन्वेस्टमेंट यदि आप इस साल भी करोगे,
तो जो आप पाओगे लास्ट ईयर से कम ही पाओगे। आपका बिजनेस का टर्नओवर सेम रहता है तो भी आप खोते ही हैं ना। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब लाइफ की बात आती है, जीवन की बात आती है, तो इस और व्यक्ति सोचता नहीं है कि मेरा जीवन भी कुछ अच्छे को लिए हुए हो, मेरी मानसिक विचारधारा भी, मेरी संतुष्टि का लेवल भी, मेरे देखने का नज़रिया भी, मेरी कषायों को कम करने का दृष्टिकोण भी कुछ अलग हो, मेरे जीवन का आनंद भी कुछ पास से बेहतर होना चाहिए फ्यूचर में। इस ओर व्यक्ति बहुत इग्नोरेंस लेकर के चलता है, इस ओर वह दृष्टि ही नहीं लाता है, सोचता ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे ही हर व्यक्ति प्राय निग्लेक्ट करके चलता है। जिसके लिए उसका पुरुषार्थ है, दिन रात लगा हुआ है, दौड़ रहा है, ना दिन का चैन है ना रात्रि का विश्राम है, वह उस ऑब्जेक्ट को भूल जाता है, उस पर्पस को भूल जाता है और अपनी ही प्रोसेस में लगा रहता है। वो यह भूल जाता है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। कोल्हू का बैल आपने देखा होगा, वो दिन भर चलता है, दिन भर घूमता है, लेकिन पहुँचता कहाँ है जानते हैं? कोल्हू का बैल क्या होता है? तेल जिससे निकाला जाता है वो दिन भर घूमता है, एक पोल के आश्रय से, एक पर्टिकुलर रस्सी से बंधा हुआ होता है 10 फीट 15 फीट, उसी रेडियस को लेकर के वो दिन भर घूमता रहता है, लेकिन दिन के अंत में कहीं नहीं पहुंचता। वो सोचता अवश्य है कि मैं इतना चल रहा हूँ, जब मैं रात को विश्राम लूँगा तो मैं कहीं ना कहीं पहुँचा हुआ अवश्य होऊंगा। लेकिन उसकी आँखों से जैसे ही पट्टी उधरती है तो देखकर बड़ा अचंभित हो जाता है, जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं तो वहीं हूँ, क्यों उस बैल की आँखों में पट्टी बांधी जाती है जानते हो? जिसकी आँखों में पट्टी ना बंधी हो तो चल नहीं सकता, वो चक्कर खा करके गिर जाएगा। गोल गोल घूमता रहे तो उसका माइंड अलग ही प्रकार का हो जाएगा। आप थोड़ी देर घूमते रहो तो आपको चक्कर आने लगेंगे, इसलिए उसकी आँखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि वह वस्तु स्थिति जान ना पाए। ऐसे ही हर व्यक्ति की आँखों में पट्टी बंधी है, एक मोह की पट्टी बंधी है। बस डिफरेंस इतना है, बैल को पट्टी बांधा जाता है, मनुष्य स्वयं बांध लेता है। अंतर सिर्फ इतना ही है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी व्यवस्थित करना, इतना ही अंतर है। बैल परवश होकर के घूमता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता। यदि उसका वश चले तो तुरंत वह उन पट्टियों को खोल दे और बड़ी आसानी से दिखता हुआ आराम से स्वतंत्र रहे। लेकिन मनुष्य की स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी अजीब है। हर एक ने अपनी आँखों में एक पट्टी बांध करके रखी है और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि उसे दिखाई नहीं देते कि मैंने पट्टी बांध ली है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जब हमारा माइंड ये परसीव करने लगे कि हम सब कुछ देख रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कुछ भी तो कमी नहीं है,
जीवन बड़ा व्यवस्थित चल रहा है, सवेरे से लेकर मेरी शाम तक की यात्रा। मैं पूरा बिजी हूँ, बहुत अच्छे से सारे कार्य कर रहा हूँ। उसको ऐसा एक इल्यूजन होने लगता है, एक भ्रम पैदा होने लगता है, सब फर्स्ट क्लास है। लेकिन वह यह भूल जाता है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है हम उस पट्टी को पहचाने जो अनजाने में हमने अपनी आँखों में बांध करके रख ली है और बड़ी टाइट बांधी है। वो पट्टी कौन सी है? हमारी मोह की, अज्ञान की, इल्यूजन की कौन सी पट्टी? जब वो बैल घूमता है तो सवेरे से लेकर शाम तक घूमते घूमते उसके पैरों में दर्द होने लगता है, उसके घुटने जो हैं पीड़ित होने लगते हैं। और उसका शरीर यह कहता है कि जब घुटनों में इतना दर्द हो गया है, पैरों में इतना दर्द हो गया है, इसका सीधा सा अर्थ है कि मेरी यात्रा बड़ी लंबी हो गई है, मेरी जर्नी बड़ी लंबी हो गई है, और इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं अवश्य कहीं पहुंचा हूंगा। जैसे ही पट्टी खुलती है रियलाइज करता है, मैं तो जहां का तहां था। क्या वो वहीं रहता है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जहां से उसने यात्रा शुरू की थी वहीं रहता है? क्यों? आपका नाम क्या? वैभव। बता सकते हो हमें उसकी थॉट प्रोसेस? बता सकते हो? खड़े होकर के बोले तो अच्छा रहेगा। नमस्तु महाराज जी। आपका प्रोफेशन क्या है? जी शिक्षक हूँ एक तरह से। टीचर? इंजीनियर हूँ जी। MBA किया? नहीं। अच्छा, किस फील्ड में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है अभी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? हाँ। अभी क्या कर रहे हो? जी शिक्षक हूँ सर। अच्छा, थोड़ा समझिए। या शिक्षक हूँ। अच्छा, क्लासेस कंडक्ट करते हो? जी जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाते होंगे आप? जी। क्या सिखाते हो? सर हम इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षा होती है उनके लिए बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, IITs के लिए। जी जी। तो बहुत सारे बच्चों को आप ट्रेन करते हैं लाइफ में? जी। अपने आप को ट्रेन किया कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं सर। किस फील्ड में कैसे ट्रेन कर रहे हैं? सर आत्मानुभूति की भी कोशिश करते हैं, और शायद कुछ ऐसे क्षण भी आए हैं जब, या ऐसे दिन भी आए हैं जब उसका अनुभव हुआ है, पर उसमें स्थापित नहीं हुए अभी तक पूरी तरह। आत्मानुभूति? अच्छा, अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहे हैं? जीवन में जो आपने सोचा था वो पा लिया? आप सुखी हो कि नहीं हो पहले तो बता दो। सर सुख और दुख के परे जो सुख है उसका अनुभव की कोशिश करते हैं, और इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है सर विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो जो दुख भी आता है वो भी चला जाएगा। तो प्रेजेंट में जीते हो, वर्तमान में ही रहते हो? ऐसा हमेशा तो नहीं रह पाते सर, लेकिन वर्तमान में नहीं रहते उसको भी स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर तो है, एक्सेप्टेंस को लेकर के चलते हो जी। जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, जब मिल जाए उसको स्वीकार लेते हो, कोई शिकायत नहीं रहती? सर शिकायत भी रहती है तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, मतलब। अच्छा। ये भी अच्छा, उस बैल की स्थिति, उसकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, हम आपसे जानना चाहते हैं। वो शाम को क्या सोचता है? क्या वो वहीं का वहीं रहता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं? महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मोह की पट्टी नहीं बांधी वो भी वहीं के वहीं रहते हैं। मतलब जीवन जो है वो तो परफेक्ट ही है, मतलब जो आत्मानुभूति का अनुभव करते हैं वो भी वहीं रहते हैं।
ऐसा मुझे लगता है कि लाइफ इज नॉट मूविंग फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, इट इज ऑलरेडी परफेक्ट. इट इज ऑलरेडी परफेक्ट, तो फिर आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं फिर, जब परफेक्टनेस है ही तो फिर करने की क्या आवश्यकता. सर हो रहा है, मतलब हाँ हो ही तो रहा है अपने आप. यदि हम फ्यूचर में कुछ चाह रहे हैं इसका अर्थ ही है कि हम इम्परफेक्ट हैं. सर नहीं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी. जब व्यक्ति परफेक्ट हो जाएगा तो फ्यूचर को अच्छा क्यों देखना चाहेगा. आप चाहते हैं ना आपकी क्लासेस जो हैं इससे अच्छी ग्रो करें. सर वो चाहना भी तो अपने आप ही स्वचलित स्वघटित हो ही रहा है. स्वचलित स्वघटित हो रहा है, लगता है आपको अपने आप ही चल रहे हो आप. कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं. सर मोटिवेशन भी अपने आप ही आ रहा है. अच्छा, सर अपने आप सब कुछ अपने आप हो रहा है. तो संसार अपने आप चल रहा है, नेचर तो अपने आप चल रहा है, लेकिन हम अपने आप चल रहे हैं कि अपने आप को चला रहे हैं. आपके कितने बैचेस हैं? बहुत सारे हैं सर. कितनी क्लासेस हैं? इंस्टीट्यूट कितनी हैं? सेंटर्स पुणे में हम 7-8 जगह ऑपरेट. 7-8 जगह हैं जी. तो अपने आप हो गई हैं कि आपने की हैं? सर सत्य तो यही है कि अपने आप ही हुई हैं. नहीं, अपने आप कुछ नहीं होता. अपने आप लाइफ में आपकी स्टडी अपने आप हुई कि आपने की है? सर अपने आप ही हुई. अपने आप कुछ नहीं होता, प्रोसेस करना पड़ता है, सोच पैदा करना पड़ता है. अपने आप कैसे पॉसिबल है आप बताओ. सर ये जो फ्री विल और डिटर्मिनिज्म का एक बहुत बड़ा डिबेट तो है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है या हमें फ्री विल है, तो मैं इसमें पूरी तरह से क्लियर तो नहीं हूँ. लेकिन संसार के क्षेत्र में हम अपने आप क्या कर रहे हैं, अपने आप कहाँ कुछ हो रहा है. सर मेरे अनुभव में जब हाँ, हम कम से कम ये मानते हैं कि स्वचलित स्वघटित हाँ, मानना अलग है, धारणा अलग है, लेकिन अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है. हाँ नेचर में है, सूर्य चंद्रमा जो घूम रहे हैं वो दैट्स द डिफरेंट थिंग. सर जो हम करते हैं उसका विचार भी तो अपने आप ही आता है. नहीं नहीं, करना पड़ता है. अपने आप कहाँ आ रहा है? अपने आप वाली स्थिति जो बीइंग वाली स्टेज बहुत लेटर स्टेज है. इनिशियली तो डूइंग वाली स्टेज होती है ना. इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, GSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव पुणे. संपर्क सूत्र 8799-28255, 888-88-32198, 9989-394510.